हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1997 में आई अंडररेटेड हॉरर एंथोलॉजी क्विक सिल्वर हाईवे का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं मैक गैरिस, मास्टर्स ऑफ हॉरर शो के मेकर। इसमें आप दो टेल्स देखोगे जो बेस्ड हैं स्टीफन किंग और क्लाइव बार्कर की शॉर्ट स्टोरीज पर। वीडियो के एंड में मैं आपको मजेदार फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक मैरिड कपल की, जिनकी आज ही शादी हुई है और आज ही एक सुनसान रोड पर इनकी कार का टायर पंचर हो गया। ये कपल है कैरी और ओलिविया। वेट करते करते काफी देर हो गई, लेकिन अभी तक एक भी गाड़ी इस रोड से नहीं गुजरी। और दिक्कत यह है कि जल्दी अंधेरा हो जाएगा तब इन्हें और ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि खाने का सामान भी इनके पास नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए ओलिविया को वहीं पर छोड़कर कैरी पैदल ही आगे बढ़ गया। नजदीकी टाउन जाकर ये हेल्प लेकर आएगा, तभी ये दोनों यहाँ से निकल पाएंगे, नहीं तो वेडिंग नाइट में यादगार बन जाएगी। कैरी के जाने के बाद ओलिविया कार के अंदर बैठी हुई थी और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। ऊपर से उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन आसपास जानवरों को हाउल करते हुए सुनकर उसकी सारी भूख शांत हो गई। उसने जल्दी से कार को अच्छी तरह लॉक कर लिया। उम्मीद तो यही थी कि कैरी जल्दी आ जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। वेट करते करते रात हो गई, पर ना तो कैरी आया और ना ही कोई गाड़ी। ओलिविया काफी चिंतित हो चुकी थी, तभी सामने से एक कार आती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो खुश हो गई क्योंकि उसे लगा कि कैरी मदद लेकर आ गया, लेकिन वो कोई और था। कार उसके सामने आकर रुकी तो पता चला कि वो थी एक रोल्स रॉयस, जिसके साथ एक ट्रेलर भी अटैच था, यानी कि कोई अमीर आदमी एक लंबी ट्रिप पर निकला है। उस आदमी का नाम है एरन क्विकसिल्वर, अजीब कपड़े पहना हुआ एक क्रीपी व्यक्ति। कार और इसकी पर्सनैलिटी आपस में मेल नहीं खा रही। वो ओलिविया के पास गया तो ओलिविया ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर एरन बोला कि जब तक तुम्हारा पति वापस आए तुम मेरे साथ आओ, कुछ खा लो। ओलिविया भूख से तड़प रही थी, इसलिए वो भी उसके साथ उसके ट्रेलर में चली गई, जो बाहर से तो एकदम आम ट्रेलर की तरह ही था, लेकिन अंदर से था पूरा महल, एकदम रॉयल तरीके से सजा रखा था। पर चीजें जो अंदर रखी थी वो भी अजीब थी। उसने ओलिविया को खून के जैसी एक लाल ड्रिंक दी और फिर अपने बारे में बताने लगा कि वो एक ट्रैवलर है जो बस घूमता रहता है और रेयर चीजें कलेक्ट करने का इसे शौक है। सबसे मेन चीज जो ये कलेक्ट करता है वो है कहानियां। वो ओलिविया को एक कहानी सुनाना चाह रहा था, लेकिन उसकी क्रीपी बातें सुनकर ओलिविया घबरा चुकी थी। तो सबसे पहले उसने ओलिविया को कंफर्टेबल किया, फिर अपनी कहानी शुरू की। स्टोरी का नाम है चैटरी टीथ और ये स्टोरी है स्टीफन किंग की। ये कहानी है बिल नाम के आदमी की, जो कि एक सैंडस्टॉर्म के बीच में फंस चुका है। इसलिए वो अपनी वाइफ के पास फोन करके उसे बता रहा है कि मैं आज घर नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि रेडियो पर वार्निंग जारी कर दी गई है कि इस तूफान के बीच कोई भी ट्रैवल ना करे। कोई अगर रोड पर है भी तो कहीं पर रुक जाए और तूफान के रुकने का वेट करे। तो वही बिल कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में आप एरन की सवारी को जाते हुए देख सकते हो, उसकी रोल्स रॉयस। बिल अपनी वाइफ को समझा रहा था, लेकिन ये काम काफी मुश्किल था क्योंकि आज इनके बेटे का जन्मदिन है और बिल ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है कि ये रात तक एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर घर पहुंच जाएगा। पर किस्मत इसकी खराब है कि ये रेतीला तूफान बीच में आ गया। अपनी वाइफ को तो वो समझा भी देता, लेकिन बेटे को समझा पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए वो चुपचाप अपनी वैन में बैठा और आगे की तरफ चल दिया। अब तक आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि इस कहानी में बिल है कैरी और इसकी वाइफ है ओलिविया, यानी कि ये दोनों वही सेम एक्टर्स हैं। एक्टर्स तो सेम है ही, पर मीनिंग भी थोड़ा डीप है। एरन जिसे कहानी सुना रहा है वो खुद ही उस कहानी के पात्र हैं, और कहानी में खुद एरन भी है लेकिन बैकग्राउंड में। अभी शायद आप अच्छे से ना समझो, पर आगे समझ जाओगे। खैर, बिल बड़े ध्यान से आगे बढ़ रहा था क्योंकि सामने का कुछ भी क्लियर नहीं था। पर ये चाहे कितनी भी सावधानी क्यों ना दिखा ले, ऐसे हालात में रोड पर चलना बेवकूफी है। ये तो एकदम अलर्ट है और मान लो कि इससे कोई चूक नहीं होगी, लेकिन अगर सामने से आ रही गाड़ी से कोई चूक हो गई तो उसकी गलती ये भुगतेगा। चाहे ये कितनी ही सावधानी क्यों ना बरत ले, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं, क्योंकि इस वक्त रोड पर ट्रैवल करना ही सबसे बड़ी गलती है। इसका सबक उसे जल्दी मिल भी गया। अचानक एक हिचहाइकर उसके सामने आ गया जो कि रोड के ऊपर खड़ा था। बिल की सारी सावधानी निकल जाती, वो तो उसने कैसे भी करके साइड से वैन निकाल ली। और यहाँ वो बात सच हो गई, खुद को तो गलती करने से रोक लेगा, लेकिन सामने वाले की गलती कैसे रोक देगा। बिल की जान हलक में आ गई थी और वो हिचहाइकर भी काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन बिल ने गाड़ी नहीं रोकी।
वो आगे जाकर एक स्टॉप पर रुका जहां पर हम एरन की रोल्स रॉयस को भी देख सकते हैं। वो अंदर एक टॉय को चेक कर रहा था, चाबी से चलने वाला चैटरी टीथ। बिल के अंदर आते ही वो टॉय को रख कर वहां से चला गया। बिल अपनी वाइफ को फोन कर रहा था लेकिन फोन वहां का खराब था। उस स्टोर के ओनर थे स्कूटर और उसकी वाइफ मायरा। खाने का सामान लेते हुए बिल की नजर उस टॉय पर पड़ी और बिल को वो काफी पसंद आया। अपने बेटे के लिए गिफ्ट उसे लेना ही था तो उसने सोचा कि यही क्यों नहीं। वो कोई नकली खिलौना नहीं था बल्कि मेटल का बना हुआ एक अच्छा खासा पीस था, यानी काफी लंबे टाइम तक चलेगा। बिल उसकी टेस्टिंग कर रहा था कि तभी वहां पर आ गया वो हिचहाइकर, जिसे रास्ते में धूल के साथ उड़ा देता। इसका नाम है ब्रायन। वो सिगरेट ले रहा था लेकिन पैसे उसके पास कम थे तो बिल ने ही उसकी हेल्प की। सिगरेट लेकर वो चला गया और अब बिल को भी निकलना था लेकिन वो टॉय काम नहीं कर रहा था। स्कूटर काफी सस्ते में उसे बेच रहा था क्योंकि वो वैसे भी सारा सामान बेचना चाहता है। ज्यादा दिन वो जिएगा नहीं क्योंकि उसे कैंसर है, पर मायरा के विचार थोड़े अलग हैं। वो इस जगह को अपग्रेड करना चाहती है, जिसके लिए स्कूटर राजी नहीं क्योंकि काम धंधा कुछ खास यहाँ पे चलता नहीं। आखिर में स्कूटर ने वो टॉय बिल को फ्री में दे दिया कि ये गिफ्ट मेरी तरफ से। बिल भी खुश होते हुए वहां से चल दिया लेकिन बाहर उसका वेट कर रहा था ब्रायन। वो बिल से लिफ्ट मांगता है जो कि आमतौर पर बिल नहीं देता, लेकिन हालातों को देखते हुए वो मान गया। कुछ उसने ब्रायन के भी हालात देखे, अभी कुछ देर पहले ये रोड पर मर जाता। बिल एले जा रहा है और ब्रायन को भी वहीं पर जाना है, यानी कि इसके सफर का काम तो बन गया लेकिन बिल को सफर नहीं करना। उसने ब्रायन को साफ साफ सारे नियम बता दिए, ना तो गाड़ी में तू सिगरेट पिएगा और ना ही मेरे साथ एले जाएगा। आगे वाले ट्रक स्टॉप पे तुझे छोड़ दूंगा, वहां से तू जैसे मर्जी जा। ब्रायन राजी हो गया इसलिए दोनों वहां से चल दिए। ब्रायन तो रास्ते में सो गया था और बिल बस उसे निहारने में लगा हुआ था, जिसके चलते वो सामने से आ रही एक कार से टकराई जाता, पर किस्मत ने उसे फिर से बचा लिया। बिल एक सेल्समैन है और ये बेचता है स्कैनर्स। ये सुनकर ब्रायन बोलता है कि मुझे तो बस एक ही स्कैनर्स पता है जिसमें आदमी का सर ब्लास्ट हो जाता है। ये बात कर रहा है स्कैनर्स मूवी की, उसका बहुत फेमस सीन है। खैर, इस बातचीत के बीच ब्रायन को ज्यादा ही कंफर्टेबल हो चुका था, इतना कि वो आराम से सिगरेट फूकने लगा, जबकि बिल ने उसे साफ साफ मना किया था। बिल ने उसे टोका तो सिगरेट उसने बुझा दी बिल के बेटे की ड्राइंग पर। इससे एक अजीब सी टेंशन पैदा हुई, जिससे बिल भी समझ गया था कि आगे क्या होगा, और हुआ भी वैसा ही। ब्रायन ने अपना चाकू निकाल लिया, उसने बोला कि सारे पैसे दे और अपनी वैन दे, फिर पास वाले ट्रक स्टॉप पे जाइयो और वहां से अपना देख लियो। बिल पूछ रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी मदद की। तो ब्रायन कहता है कि ऑलमोस्ट मुझे कुचलने के बाद तू सीधा निकल गया, रुक कर देखा भी नहीं। पर वो बिल ने ठीक ही किया था, अगर ये रुक जाता तब भी ब्रायन यही करता। बिल उसे हल्के में ले रहा था लेकिन वो कोई खेल नहीं खेल रहा। उसने बिल के फेस पे चाकू घुमा दिया, वो तो बिल ने हाथ आगे कर दिया वरना गाल के ऊपर डिजाइन बन जाता। अब बिल के पास दो ही चॉइस थी, या तो ब्रायन की बात मान ले या फिर ना माने। तो उसने नहीं मानी, उसने स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी क्योंकि ब्रायन भी उसे हल्के में ले रहा था। बिल ने तो सीट बेल्ट लगा रखी थी लेकिन ब्रायन ऐसे ही बैठा था। अब अगर ब्रायन ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो बिल को बस ब्रेक मारनी होगी और ब्रायन जाएगा सीधा वैन से बाहर। चोट बिल को भी आएगी लेकिन उतना बुरा हाल नहीं होगा जितना ब्रायन का होगा। वैन तो इंश्योर्ड है ही तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बिल की जगह ब्रायन टेंशन में आ गया, लेकिन बिल सामने के बजाय ब्रायन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था, इसलिए प्लान में थोड़ी गड़बड़ हो गई। अचानक सामने से एक ट्रक आ गया, जिससे बचने के चक्कर में बिल के गाल पे डिजाइन भी बन गया और वैन रोड से पलटकर क्रैश हो गई। अब जो चीज बिल के लिए लाइफ सेविंग साबित होने वाली थी, उसी की वजह से अब इसकी जान जाने वाली है, क्योंकि ब्रायन तो फ्री है पर ये सीट बेल्ट के अंदर फंस चुका है। ब्रायन सीधा उसका गला घोटने लगा तो बिल ने वही टॉय उसके मुंह पर देकर मारा, तब जाकर बिल की जान छूटी। खिलौना पूरा मेटल का था ना, किसी काम तो आई गया। और वैसे वो खिलौना खराब था लेकिन अब अचानक से वो चलने लगा, अपने आप चलकर वो पैकेट से बाहर आ गया। बिल उस टॉय को बोलता है कि इसे काट ले और तभी उसने काट भी लिया, लेकिन ये बस ब्रायन का मजाक था। ब्रायन उस टॉय के साथ खेल रहा था तभी अचानक उसने ब्रायन के नाक को जकड़ लिया, यानी कि सच में काट लिया, और उसकी बाइट भी काफी सॉलिड थी। बड़ी मुश्किल से ब्रायन ने उसे दूर किया पर इसके बाद तो वो रुका ही नहीं, वो लगातार ब्रायन को बाइट करने लगा और बाइट इतनी घातक थी कि ब्रायन की उंगलियां तक कट कर अलग हो गई। आखिरी बाइट उसने की ब्रायन की गर्दन पर, उसके बाद बिल बेहोश हो गया। फिर जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो दांत उसी की तरफ आ रहे थे, ये देखकर वो डर के मारे फिर से बेहोश हो गया। इस बार वो जागा सीधा रात में और इस बार उसने खुद को फ्री पाया। सीट बेल्ट किसी ने काट दी थी, आपको पता ही है किसने। बिल जल्दी से वैन से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो दांत ब्रायन को खींच कर ले जा रहे थे। ब्रायन के बालों को दबोच रखा था और छोटे छोटे कदम पीछे लेकर काम चल रहा था। ये देखकर बिल तो वहां से भाग गया। फिर हम आ जाते हैं 9 महीने आगे, जब उस चैटरी तीत का बच्चा हो गया छोटरी तीत। मजाक है।
9 महीने बाद बिल अपनी नई वैन लेकर उसी रोड से गुजर रहा था तो वो फिर से उसी स्टॉप पर रुका, लेकिन अब उस जगह का हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। स्कूटर के बजाय वहां पर नाम लग चुका था मायरा का और अंदर भी स्टोर की जगह डाइनर बन चुका था, क्योंकि स्कूटर कैंसर से लड़ नहीं पाया। उसके मरते ही मायरा ने यह जगह वैसी करवा ली जैसी इसे चाहिए थी। बिल ने उसे याद दिलाया कि मैं पिछले साल आया था और मेरे साथ उस हिचहाइकर ने खेल कर दिया था। तो मायरा उसे बताती है कि उस हिचहाइकर की बॉडी पुलिस को मिली थी, लेकिन जानवर उसे बुरी तरह खा चुके थे। पर वो जानवर तो नहीं थे, ये हम भी जानते हैं और बिल भी। जाने का टाइम आया तो मायरा बोली कि मेरे पास तुम्हारी अमानत है, वही चैटरी टीथ जो कि अगली सुबह स्टोर के बाहर पड़ा मिला था। मायरा को लगता है कि स्टोर से निकलते वक्त ये बिल के हाथ से गिर गया होगा, लेकिन बिल को पता है कि उस रात इसने क्या क्या किया था। हालांकि बिल को तो इसने फ्री किया था, इसलिए बिल ने उसे ले लिया। उसे लेकर बिल बाहर निकला तो मायरा का डॉग उस पर भौंकने लगा और थोड़े बहुत दांत तो इसने भी दिखाए। इसके बाद बिल उसे साथ लेकर चल दिया और इसी के साथ ये कहानी हुई खत्म। एरन मजे में स्ट्रॉबेरीज खा रहा था तभी अचानक बाहर से किसी कार के क्रैश होने की आवाज आई। एक कार ने किसी आदमी को ठोक दिया था, लेकिन वो आदमी आसपास था ही नहीं क्योंकि कोई उसे खींच कर ले जा रहा था। पास जाने पर पता चला कि वो आदमी था कैरी और उसे खींच कर ले जा रहे हैं वही दांत। ओलिविया पास आई तो दांत चुपचाप वहां से चल दिए और ये क्या ही आइकॉनिक सीन है। इसी के साथ एरन का ये सफर खत्म हुआ। इससे पता चलता है कि एरन और कोई नहीं बल्कि डेथ है, ये कैरी को लेने आया था। कहानी के अंदर भी ये आसपास मंडरा रहा था क्योंकि तब ये लेने आया था ब्रायन को, तो जिसका भी टाइम आता है ये उसके पास पहुंच जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक मेले में जहां पर चार्ली नाम का जेब कतरा सबकी जेबें काटता हुआ घूम रहा था और इसी बीच एक पर्स उसने मार लिया लिन शे का, इंसीडियस वाली एलिस का। मेले के अंदर मैकगैरिस के कई सारे दोस्त और फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं। ऐसे ही चोरियां करते हुए चार्ली पहुंच गया क्विक सिल्वर के हॉरर हाउस में जहां पर कई सारी एंटीक चीजें रखी थी इंक्लूडिंग चैटरी टीथ। वहां पर एक कटे हुए हाथ की उंगलियों में कैंडल्स जल रही थी। चार्ली उसे देखने लगा तभी पीछे से उसके पास आ गया एरन। वो चार्ली को बताता कि ये असली हाथ है एक अपराधी का, यानी कि अब टाइम आ चुका है कहानी का। स्टोरी का नाम है द बॉडी पॉलिटिक और ये स्टोरी है क्लाइव बार्कर की। ये कहानी है डॉक्टर चार्ल्स नाम के सर्जन की जो कि शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और जैसा कि आप देख सकते हो ये भी सेम एक्टर है जिसे कहानी सुनाई जा रही है, वो ही कहानी का पात्र है। वो एक क्लाइंट को चेक कर रहा था तभी अचानक उसके हाथ से थोड़ी गलती हो गई। चार्ल्स को खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये आगे भी बार बार उसके साथ हो रहा था। जब वो एक सर्जरी कर रहा था तो स्केपल अपने आप उसके हाथ से गिर गया। उसने दोबारा पकड़ा तो इस बार हाथ ने वो स्केपल दूर फेंक कर मारा, जिससे एक साथी बाल बाल बचा और वो साथी है स्टोरी के राइटर क्लाइव बार्कर, हेलरेजर बनाने वाले। इनके अलावा रूम में मौजूद है जॉन लैंडिस, एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन के डायरेक्टर। मैकगैरिस की सबसे अच्छी यारी दोस्ती है, इसलिए कैमियोस बड़े आराम से हो जाते हैं, तभी तो मास्टर्स ऑफ हॉरर जैसा शो बना पाए। खैर, चार्ल्स के हाथ उसकी मर्जी के बिना ही चल रहे थे और एक सर्जन के लिए ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हाथों के बिना सर्जन किस काम का। वो अपने घर जाने के लिए निकला तो रास्ते में उसके हाथ उसकी कार को क्रैश कराने में लग गए। वो तो किस्मत उसकी अच्छी थी कि वो बच गया। घर जाकर वो अपनी वाइफ एलन से मिला और तब भी उसके हाथ काबू में नहीं थे। फिर रात को जब वो सो गया तब जाकर असलियत सामने आई। उसके दोनों हाथ आपस में बात कर रहे थे, और बात क्या कर रहे थे, वो तो बगावत पर उतर आए थे। अब उन्हें चार्ल्स के साथ नहीं रहना, उन्हें अपना हक चाहिए यानी के आजादी। अपनी मर्जी के मुताबिक जिएंगे, जो चाहे वो करेंगे, जहां चाहे जाएंगे। ये गुलामी की लाइफ उन्हें अब नहीं चाहिए, यह बॉडी पॉलिटिक। एक हाथ दूसरे को बोल रहा था कि पहले मैं तुझे काट कर फ्री कर दूंगा, फिर तुम मेरे लिए आइयो और मुझे फ्री कर दियो। पर जिस बीच वो दोनों इस वार्तालाप में लगे हुए थे, उसी बीच एलन जाग गई। सोच रही थी कि चार्ल्स आखिर ये क्या कर रहा है, इसे रात में भी चैन नहीं। एलन की शक्ल देखकर वो दोनों हाथ गले मिलकर आराम से सो गए। अगले दिन चार्ल्स ने जाकर डॉक्टर लैन को अपनी परेशानी बताई तो लैन ने बोला कि माइंड और बॉडी एक साथ जुड़े हुए हैं, जब तक माइंड नहीं चाहेगा तुम्हारा कोई भी बॉडी पार्ट कुछ नहीं कर सकता, तो ये सब तुम्हारा वहम है, शायद तुम्हें आराम चाहिए। पर चार्ल्स को तो ऐसा लगता है कि उसके हाथ उसके खिलाफ हो चुके हैं, जो कि सच भी है, और ये क्या ही क्रेजी विचार है। ये अपने हाथों से कुछ ज्यादा ही मेहनत करवाता है, इसलिए वो अब इसके अधीन नहीं रहना चाहते। उन्हें चाहिए आजादी का स्वाद, जिसके लिए वो रात में प्लानिंग भी करते हैं। उन्हें बस सही टाइम का वेट है और शायद वो टाइम आ चुका। इस रात जब वो बातें कर रहे थे तो एलन उनके पास पहुंच गई, तो बदले में उन्होंने एलन की गर्दन को दबोच लिया। वो चिल्ला रही थी इसलिए चार्ल्स जाग गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उसके हाथों ने एलन को मार डाला और सफलता के बाद दोनों गले मिले। भाईचारा काफी है।
अब चॉस डॉक्टर लैन के पास फोन करना चाह रहा था, लेकिन हाथ ऐसा करने नहीं दे रहे थे। चॉस ने कैसे भी करके फोन लिया और नाक मुंह का यूज करके नंबर मिला दिया, पर हाथ उसकी आवाज दबा रहे थे। फिर भी उसने बताई दिया कि मेरे हाथ मुझे मारना चाहते हैं। इसके बाद हाथों ने उसके साथ खेल शुरू किया। वो उसे खींच कर ले गए किचन में, क्योंकि वहां पर फ्री होने का सामान था। एक हाथ ने क्लीवर लिया और सीधा दूसरे हाथ को फ्री कर दिया। इतने में लैन भी वहां पर आ चुका था, पर उसके आते ही वो हाथ घर से भाग गया। इसके बाद चॉस को हॉस्पिटल लेकर जाया गया और इस बीच वो फ्री हाथ लग गया अपने काम पर। वो बनाएगा फ्री हाथों की आर्मी। हॉस्पिटल में चॉस अपने हाथ को पीट रहा था तो नर्स ने उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। इतने में उसका दूसरा हाथ भी हॉस्पिटल में आ चुका था और हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे, चाहे गार्ड हो, पेशेंट हो, डॉक्टर हो या कोई भी हो, वो सबके पास जाकर उनके हाथों को बोल रहा था कि तुम भी बगावत करो, आजादी का स्वाद चखो। और उसकी बात सुनकर सभी हाथ बगावत पर उतर आए। मानो सबके हाथ गुलामी में सोए हुए थे, उन्हें बस एक लीडर चाहिए था जो उन्हें जगाए। देखते देखते हॉस्पिटल के अंदर कोहराम मच गया। सभी हाथ फ्री होना चाह रहे थे, और जब हाथी काबू में ना रहे तो इंसान क्या करे, हाथी तो ग्रिप है। इसी कियोस के बीच में हम देख पाए डायरेक्टर मैक गैरिस को। इधर चार्ल्स का हाथ भी उसे परेशान करने में लगा हुआ था, वो तो नर्स उसके साथ थी, पर जल्दी वो भी चली गई क्योंकि रुकने के लिए था ही क्या, अपने हाथ बचाएगी आई से। उसके जाने के बाद चार्ल्स का हाथ पहली बार उससे बोला। चार्ल्स ने पूछा कि तुझे चाहिए क्या, तो हाथ बोला फ्रीडम। ये सुनकर चार्ल्स दंग रह गया। वो बोला कि ऐसा क्या है जो मैंने तुझे नहीं दिया, तो हाथ बोला फ्रीडम। कौन सा फोन हमें नहीं मिला, फ्रीडम। अब हाथ भले ही बगावत कर दे, पर है तो इसी का। अगर हाथ के फ्री होने से पहले ये खुद मर गया तो इसके साथ हाथ भी मर जाएगा। हाथ उसे विंडो से बाहर लेकर गया तो उसने देखा कि सामने पेड़ पर हाथों की पूरी गैंग थी। हाथ उन्हें ऑर्डर देकर अपने पास बुला रहा था। इससे चार्ल्स समझ गया कि उसे क्या करना है। वो हॉस्पिटल की छत पर जाने लगा, जिसमें हाथ काफी दिक्कत दे रहा था, पर कैसे भी करके वो ऊपर पहुंच गया और उसके पीछे बाकी गैंग भी आ गई। चार्ल्स के पास एक ऐसी चीज थी जिससे खतरनाक इस दुनिया में कुछ भी नहीं, इंसानी दिमाग। हाथ का नाम हाथ किसने रखा, इंसानी दिमाग ने। यहाँ तक कि दिमाग ने अपना नाम भी खुद ही रखा। तो अपने दिमाग का यूज करके चॉस ने सभी हाथों को फंसा लिया। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसका हाथ ऑर्डर दे रहा है, जबकि ऑर्डर वो खुद दे रहा था। उसने बोला कि मेरे पीछे आओ और फ्री हो जाओ। ये बोलकर वो छत से नीचे कूद गया और उसके पीछे हाथों की बारिश हो गई। सब फ्री होने की उम्मीद में कूद रहे थे, पर गिरते ही सच में फ्री हो गए। चॉस भी मारा गया, लेकिन कहानी अभी बाकी है। हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की की नाक बगावत पर उतर आई तो लड़की ने कैंची से काट कर उसे फ्री कर दिया, यानी बॉडी पॉलिटिक अब अच्छे से होगी। इसी के साथ ये स्टोरी भी खत्म हुई। कहानी सुनकर चार्ली बाहर चल दिया, लेकिन अब उसके हाथ भी उसके काबू में नहीं थे। वो सीधा जाकर एक जेब में घुस गए और वो जेब थी पुलिस वाले की। जिस तरह चार्ली पकड़ा गया, और इसी के साथ ये मूवी हुई खत्म। तो एरन कौन था, इसके ऊपर अब भी सवाल है, पर मेन बात यह है कि जो एरन वाली स्टोरी थी वो उतना मैटर नहीं करती। वो बस एक रैप अराउंड स्टोरी थी जिसे मैक गैरिस ने लिखा था बाकी दोनों स्टोरीज को जोड़ने के लिए। और जो एक्टर्स आपने दो दो रोल्स करते हुए देखे, वो भी मैक गैरिस का ही आइडिया था, सभी चीजों को थोड़ा ट्विस्टेड बनाने के लिए। वरना उनका आपस में ना तो कोई कनेक्शन है और ना ही कोई सेंस बनेगा, क्योंकि दोनों स्टोरीज अलग अलग ऑथर्स की शॉर्ट स्टोरीज थी। मैक ने बस अपना बेस्ट ट्राई किया, जिससे मूवी के अंदर एक अच्छी खासी मिस्ट्री बन गई। मेरी मानो तो एरन को दैती समझो जो दुनिया में घूमकर आत्माएं कलेक्ट करता है। ये मूवी कल्ट क्लासिक नहीं बन पाई, इस बात से मैं हैरान हूँ। वैसे ये आसानी से कहीं पर मिलती भी नहीं। खैर, अब बात करते हैं मजेदार फैक्ट्स के बारे में। मूवी का बजट था $4 मिलियन और कमाई इसकी पता नहीं की जा सकती, क्योंकि एक टीवी मूवी थी, यानी कि टीवी के लिए बनाई गई थी। जो चैटरी टीथ वाला टॉय था, वो शूटिंग के बाद मैक गैरिस ने ही रख लिया था और आज तक भी उन्हीं के पास है। जो स्ट्रॉबेरीज खाने वाला आइडिया था, वो क्रिस्टोफर लॉयड का ही था। मैट फ्रूअर को अपने रोल्स के लिए कोई ऑडिशन नहीं देना पड़ा था, मैक गैरिस ने खुद उनके पास फोन करके उन्हें रोल दिया था। जब चार्ल्स के हाथ एलन का गला घोटकर उसे मार देते हैं, उस सीन के बाद सिंथिया गैरिस का गला 2 दिनों तक खराब रहा था, यानी कि बैठ गया था, इतनी जोर से मैट ने दबाया था। जब चार्ल्स के हाथ उन्हें खींचकर किचन तक ले जाते हैं, उस सीन में मैट के नीचे एक पहियों वाला बोर्ड रखा गया था, जिससे आसानी हो। सेकंड स्टोरी के लिए मैक ने कई सारी प्लास्टिक सर्जरी वाली डॉक्यूमेंट्री फुटेज देखी थी, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। मायरा के रोल के लिए वेरोनिका कार्टराइट ने एक बॉडी सूट पहना था मोटा दिखने के लिए। जो रोल्स रॉयस एरन चला रहा था, वो थी बादशाह की। मजाक है, वो थी विलियम मलोन की। इसे 24 दिनों के अंदर शूट कर लिया गया था। स्टीफन किंग और क्लाइव बार्कर के साथ मैक गैरिस पहले भी काम कर चुके थे। 1992 में आई थी मैक गैरिस की स्लीप वॉकर, जिसके अंदर उन दोनों के कैमियोस थे।
फर्स्ट हिल में जो वैन क्रैश हुई थी वो क्रैश और अच्छे से प्लान किया गया था पर दिखाया एकदम बेसिक। 1997 में टीवी पर आई ये स्टीफन किंग की सेकंड मूवी थी, पहली थी द शाइनिंग जो इससे कुछ ही हफ्ते पहले आई थी और दोनों के डायरेक्टर है मेक गैरिस। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कॉमेंट करके बताओ कि दोनों स्टोरीज में से आपको कौन सी ज्यादा पसंद आई। कॉमेंट जरूर करना क्योंकि खराब गले में मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई है। बाकी ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि टाइम आते ही नोटिफिकेशन आपको कलेक्ट करने आ जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।